Hello everyone, I'm Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का अपना लेक्चर स्पेशल फंक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने लेजेंडर पॉलिनोमियल के रोड्रिक्स फॉर्मूला के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम लेजेंडर पॉलिनोमियल के ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे और उसके नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि मैं दो लेजेंडर पॉलिनोमियल लूँ और उनके प्रोडक्ट का यदि -1 से +1 इंटरवल में मैं क्या करूँ, इंटीग्रेशन करूँ, तो उसका रिजल्ट यदि जीरो मिलता है, किस केस में, जब m इक्वल नॉट n, जब m इक्वल नॉट n है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑर्थोगोनल कहा जाता है। और इसका जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर जब m इक्वल टू n होता है, यहाँ पर जब m इक्वल टू n होता है, तो उनके प्रोडक्ट का जब -1 से +1 तक इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसका वैल्यू हमें ये मिलता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसका नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। और दोनों के कंबाइनेशन को एक साथ क्या कहते हैं हम, ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी कहते हैं लेजेंडर पॉलिनोमियल का। तो देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इंटीग्रल -1 to 1 ये क्या हो जाएगा, सेम इतना हो जाएगा, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। और उसको हम क्या कर सकते हैं, एक क्रोनेकर डेल्टा सिंबल होता है डेल्टा एम एन, इससे जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा एम एन इक्वल टू जीरो होता है, किस केस में, जब एम एन के इक्वल नहीं होता है, और डेल्टा एम एन इक्वल टू वन होता है, किस केस में, जब एम और एन इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा इस केस में। तो ये सेम इतना, ये पहले वाला टर्म, ये वाला टर्म मुझे मिल जाएगा, और ये एम इक्वल नॉट एन होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये जो है पहला केस जो है मुझे मिल जाएगा। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हम जानते हैं कि जो लेजेंड्रे का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, ये होता है, और इसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो ये मेरा बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो गया, प्लस होगा उसके बाद सेकंड फंक्शन, ये वाला सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2x होगा, तो ये -2x यहाँ पर लिखा है, प्लस ये सेम ही है। तो चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, दो पॉलिनोमियल लूँगा जिसको मैं क्या करूँगा इस फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यदि पी एन एक्स और पी एम एक्स क्या हो, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हो, ठीक है, y इक्वल टू क्या हो, पी एन एक्स हो, और y इक्वल टू पी एम एक्स हो, उसके दो सॉल्यूशन हो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उसका जो ये इक्वेशन है यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यदि वो सॉल्यूशन हो तो यहाँ पर y की जगह पर पी एन एक्स भी लिख सकता हूँ, और एक बार दूसरे पॉलिनोमियल के लिए y की जगह पर पी एम एक्स भी लिख सकता हूँ, जहाँ पर पी एन एक्स और पी एम एक्स क्या है, उसके दो सॉल्यूशन है। तो जो इक्वेशन होगा मेरा, पहला इक्वेशन ये हो जाएगा यदि y इक्वल टू पी एन हो, और जो दूसरा इक्वेशन है वो मेरा ये हो जाएगा यदि y इक्वल टू पी एम हो। ये दोनों ही क्या है, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ये हम मान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि मैं क्या करूँ, ये जो इक्वेशन टू दिया है इसको पी एम से मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर, और ये जो इक्वेशन थ्री दिया है इसको मैं पी एन से मल्टीप्लाई करूँ, और इसमें क्या करूँ मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए इसमें मैं क्या कर दिया, पी एम का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा पी एम हो गया, मल्टीप्लाई हो गया इसमें, ये वाला इसमें मैं क्या कर दिया, पी एन का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया मेरा माइनस पी एन, और ये सब्ट्रैक्ट भी करना है इसमें, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये मेरा ये हो जाएगा, प्लस फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो मेरा है इसमें मैं क्या करूँगा, पी एम का मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा, ये पी एन पी एम हो जाएगा, इसमें भी पी एन का मल्टीप्लाई करूँगा, तो पी एन पी एम, पी एन पी एम, पी एन पी एम दोनों में आ जाएगा, तो कॉमन निकल जाएगा, तो पी एन पी एम कॉमन निकल गया, इसमें क्या हो गया एन इंटू एन प्लस वन, ये एन इंटू एन प्लस वन, और ये सब्ट्रैक्ट करूँगी इसमें से इसको, तो ये माइनस एम इंटू एम प्लस वन हो जाएगा। मतलब मैं क्या किया हूँ, इसमें एम का मल्टीप्लाई किया हूँ, और इसमें एन का मल्टीप्लाई किया हूँ, और इसको इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आगे मेरा, ये इस तरह से मुझे मिल जाएगा ये वाला। अब मैं क्या करता हूँ, इसको
एक्स के रिस्पेक्ट में इसको जो है लिमिट -1 to 1 तक क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये मेरा इस तरह हो जाएगा, मतलब -1 से +1 तक इसको जो है इंटीग्रेट करना है, ये जो मेरे पास इक्वेशन है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, ये इंटीग्रेट कर दिया इसको, ये कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो इतना इंटीग्रेट होगा ये वाला, ठीक है। तो इतना मुझे मिल गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, फिर से इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो क्या होगा, ये मतलब दो जो फंक्शन होता है उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यदि हम यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सेकेंड फंक्शन ये है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करूँगा, डी बाई डी एक्स हट जाएगा, क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये इतना आ गया, कहाँ से, -1 से +1 तक, ठीक है। माइनस मिलेगा मुझे इंटीग्रेशन फिर से -1 से +1 तक, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ये इनटू क्या आएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और पूरे का इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, मुझे ये मिल गया, और पूरे का इंटीग्रेशन फिर से ये हो जाएगा, माइनस का माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा मुझे, ये माइनस, ये फिर से सेम वैसे ही होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और माइनस होगा पहले, तो ये माइनस, यहाँ ये माइनस था और अंदर में जो माइनस आएगा उसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, मुझे ये मिल जाएगा, पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर यदि माइनस इसमें से मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा एम स्क्वेयर हो जाएगा ये वाला, और ये माइनस एन स्क्वेयर हो जाएगा, और ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन फिर से ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, -1 से +1 तक। तो देखिए ये और ये टर्म जो है मेरा सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको जब मैं क्या करूँगा, -1 से 1 तक जो है इसका लिमिट यदि पुट कर दूँ तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का वैल्यू चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो वो क्या होगा, 1 ही होगा, और 1 - 1 0, यहाँ पर भी 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म मेरा क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये टर्म 0, और माइनस ये टर्म भी क्या हो गया मेरा, 0 हो गया, माइनस क्या बचा, ये वाला बचा, और इसको मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ, m² - n² इक्वल टू क्या हो जाएगा, m - n × m + n बचेगा, तो m - n, m - m दोनों में से कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, m + n + 1 बचेगा, और ये -1 to +1 इंटीग्रेशन (PnxPmx dx) = 0। तो मुझे इतना मिल गया, ठीक है। इसको मैं इस साइड में इस तरह से लिख सकता हूँ ये। अब देखिए यदि यहाँ पर क्या हो, m = not n हो, ठीक है, मतलब ये जो m - n दिया है यदि m = not n हो, तो हम क्या पाते हैं कि इसका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा, ठीक है। m = not हो मतलब ये m = n हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। और m = not n हो तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है मेरा क्या होगा, इतना जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला केस तो हमने निकाल लिया, इफ m = not n के लिए क्या होगा, इतने का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब इतने का वैल्यू 0 होगा, ये तो 0 होगा नहीं, तभी तो 0 मिलेगा, मतलब दो वैल्यू है हमारे पास, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 नहीं है मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका वैल्यू 0 नहीं है, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये जो है पहला केस हमने जो है निकाल लिया, कौन सा, ये वाला इंटीग्रेशन, इंटीग्रल -1 to +1 PmxPnx dx = 0 इफ m = not n। अब दूसरा वैल्यू हम निकालेंगे m = n के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरेटिंग फंक्शन का यूज करते हैं। फ्रॉम जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल वी हैव, हम जानते हैं कि जो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन होता है वो हमारा ये होता है। अब यदि मैं क्या करूं, दोनों साइड का स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये जो है इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर में जाएगा तो 2 कैंसिल, ठीक है, -1 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, समेशन n फ्रॉम 0 to ∞ जे
एन पी एन एक्स पूरे का स्क्वायर। अब देखिए ये जो टर्म है, ठीक है, मुझे इन दो टर्म्स में जो है मिलेगा, ये कैसे मिलेगा इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैं स्क्वायर किया हूँ तो मुझे ये वाला मिला है, ठीक है, और जो ये मेरे पास समीशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी है ये कुछ इस तरह है, ये वाला जो अंदर का टर्म है वो इस तरह से है। यदि एन इक्वल टू मैं क्या करूँ जीरो रखूँगा मुझे ये मिल जाएगा, एन इक्वल टू वन रखूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, टू रखूँगा तो ये मिलेगा, और ये ठीक है ये इन्फाइनाइट तक जाएगा। और ये पूरे का स्क्वायर किया हूँ मैं, तो यहाँ पर यदि मैं इन थ्री टर्म्स के लिए देखूँ तो क्या मिल रहा है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा देखिए, यदि इसको एक्स वाई इसको जेड मानूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरे के स्क्वायर का, इस तरह से होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब एक्स की जगह पर यदि मैं ये माना हूं तो ये क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर टू इंटू जीरो, ये मैं लिख सकता हूं, इसका वैल्यू जीरो ही होगा। पी नॉट स्क्वायर एक्स मतलब एक्स के स्क्वायर ये प्लस वाई के स्क्वायर वाई ये है तो वाई के स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू ये लिया हूं तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। प्लस टू एक्स वाई मिलेगा तो टू इंटू एक्स का वैल्यू ये है तो ये पुट कर दिया, वाई का वैल्यू ये है तो ये पुट कर दिया, प्लस टू वाई का वैल्यू ये है फिर से तो ये पुट कर दिया, जेड का वैल्यू क्या है ये है तो ये पुट कर दिया, प्लस फिर से टू जेड एक्स, जेड का वैल्यू क्या है फिर से ये है तो ये पुट कर दिया, इंटू एक्स का वैल्यू ये है तो ये पुट कर दिया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मैं ये जो मेरा टर्म दिया है ये वाला, इसको मैं ये जो है प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ये आएगा ये वाला टर्म, तो वो कैसे आएगा। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ जेड टू द पावर टू इंटू जीरो पी नॉट स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पर जो दिया है इसको मैं लिख सकता हूँ जेड टू द पावर टू इंटू वन पी वन स्क्वायर एक्स, ठीक है, पी वन एक्स स्क्वायर, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ टू इंटू टू, ठीक है, जेड टू द पावर टू इंटू टू पी टू एक्स स्क्वायर ये वाला, प्लस अब देखिए ये जो है मेरे पास टू इंटू जेड टू द पावर नॉट है और ये जेड है तो जेड टू द पावर जीरो प्लस वन लिख सकता हूँ, ये जीरो इसका वन है, ठीक है, इसका क्या है पावर वन है तो ये जीरो प्लस वन लिख सकता हूँ, और ये पीनोट एक्स का पीनोट एक्स और ये पी वन एक्स, प्लस यहाँ पर फिर से टू है देखिए, अब जेड टू द पावर फिर से वन प्लस टू लिख सकता हूँ, इसका क्या है वन है मेरे पास तो वन प्लस टू हो जाएगा ये वाला, और ये पी वन एक्स और ये पी टू एक्स, प्लस यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा ये टू और जेड टू द पावर यहाँ पर जीरो है तो टू प्लस जीरो लिख सकता हूँ और ये पी टू एक्स और पी नॉट एक्स। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो है क्या मिल रहा है, एक टर्म जो है जेड टू द पावर टू इंटू एन के रूप में मिल रहा है, ठीक है, जीरो वन टू अप टू एन तक जाएगा, ठीक है, तो जेड टू द पावर टू एन इंटू पी नॉट स्क्वायर एक्स है ये इस तरह से मिल रहा है, ठीक है, तो पी एन तक जाएगा जीरो वन टू, ये कहाँ तक जाएगा पी एन तक जाएगा, तो एक टर्म तो मुझे ये मिल जाएगा समीशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा जेड टू द पावर टू एन हो जाएगा और पी एन एक्स पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ये पी नॉट स्क्वायर पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर पी एन स्क्वायर इस तरह से मिल जाएगा मुझे, ठीक है। प्लस एक टर्म मुझे मिल रहा है देखिए दो के मल्टीप्लीकेशन में क्या मिल रहा है, ये इस तरह से मिल रहा है, ठीक है, तो ये दो का दो मैं लिख दिया समीशन एन एम एन जीरो टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये टू तो मेरे पास है टू जेड टू द पावर जीरो प्लस वन है, जेड टू द पावर वन प्लस टू है, जेड टू द पावर टू प्लस जीरो है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जेड टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए जीरो है वन है वन है टू है टू है जीरो है, तो यहाँ पर एन और एम जो है किसी भी टर्म में जो है इक्वल नहीं है यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है ये जो है यहाँ पर मेरा जीरो है वन है, ठीक है, यहाँ जीरो वन नहीं है फिर से वन और टू है, यहाँ पर टू और जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो पी एन एक्स पी एम एक्स है, ठीक है, ये इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिल रहा है और टू का भी जो है यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई हुआ है देखिए सभी टर्म में, तो ये टर्म भी मुझे मिल जाएगा जहाँ जेड टू द पावर एम प्लस एन होगा और एम और एन जो है क्या है हर जो टर्म है उसमें अलग अलग है, देखिए इसमें जीरो प्लस वन है, इसमें वन प्लस टू है, टू प्लस जीरो है, ये सब क्या है एम और एन जो है जीरो है, तो मुझे क्या मिलेगा यदि मैं इसको एक्सपेंड करूँ, ठीक है, तो मुझे वो जो है इस टर्म में मिल जाएगा दो टर्म में ये मुझे मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मुझे वैल्यू मिला है इसको मैं
एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से क्या करता हूँ, माइनस वन से प्लस वन तक, लिमिट तक, वहां तक इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरे का जो पावर है माइनस वन है, इसको ये नीचे आएगा तो ये वन अपॉन, ठीक है, वन माइनस टू एक्स प्लस जेड स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, ये अपॉन में आएगा तो इधर ये प्लस हो जाएगा इसका जो पावर है वो, ठीक है। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर दिया हूँ, ठीक है, इसको माइनस वन से प्लस वन तक, इसको भी मैं क्या किया हूँ, इंटीग्रेट कर दिया हूँ माइनस वन से प्लस वन तक, और ये जो दूसरा टर्म है मेरे पास इसको भी मैं क्या कर दिया हूँ, माइनस वन से प्लस वन तक इंटीग्रेट कर दिया हूँ। तो मैं जानता हूँ इस प्रॉपर्टी से, यहाँ पर हमने देखा कि माइनस वन से प्लस वन तक जो पी एन एक्स पी एम एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, ये माइनस वन से प्लस वन तक यदि इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पर देखिए एन और एम जो है इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो है जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म। यहाँ पर देखिए इसका एन का अलग वैल्यू है, एम का अलग वैल्यू है इसमें, ठीक है, तो दोनों इक्वल है नहीं, तो ये क्या हो गया है, जीरो हो गया है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, तो ये मैं लिख दिया इक्वल टू, इसका यदि मैं क्या करूं, इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये लॉग इतना हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में जो आएगा वो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। इसको डी एक्स को मैं क्या करूंगा, कुछ फंक्शन मान के उसको मैं क्या करूंगा, मतलब इतने का जो वैल्यू है क्या मानूंगा, यू मान लूंगा, और उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये डी यू के टर्म में आएगा, लेकिन दोनों का जो लिमिट है ये क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस टू जेड बचेगा, ठीक है, माइनस टू जेड, और ये लॉग हो जाएगा इतना इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास जो वैल्यू है इस तरह से, इसमें क्या करूंगा मैं, जो एक्स के जगह पर एक बार क्या करूंगा, प्लस वन रखूंगा और एक बार माइनस वन रखूंगा, तो ये माइनस वन अपॉन टू जेड जो है यहाँ कॉमन निकल गया, अंदर में क्या बचेगा, लॉग, एक बार क्या रखूंगा, प्लस वन, तो वन माइनस टू इंटू वन इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, उसके बाद एक बार रखूंगा माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा वन, और ये एक्स के जगह पर माइनस वन रखूंगा तो ये प्लस टू एक्स जेड हो जाएगा, मतलब टू वन जेड हो जाएगा, तो टू वन जेड प्लस जेड स्क्वायर, तो मुझे ये इतना मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये जो मुझे इतना मिला है ये क्या है, देखिए ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इस फॉर्मूले में ये आ रहा है, ठीक है, ये भी आ रहा है, ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये है, ये क्या है, स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी के स्क्वायर, इस फॉर्मूले में है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर होता है, तो वन माइनस जेड पूरे का स्क्वायर माइनस लॉग, ठीक है, ये वन प्लस जेड पूरे का स्क्वायर, ठीक है, उस फॉर्मूले से यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू जेड, और अंदर में क्या हो जाएगा, इसको फिर से लिख सकता हूँ, टू को इस साइड ले जा सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, टू लॉग वन माइनस जेड हो जाएगा माइनस ये टू लॉग वन प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टू टू दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये कॉमन निकलेगा और क्या बचेगा, वन अपॉन जेड, ठीक है, माइनस का भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग वन माइनस जेड हो जाएगा, तो ये माइनस लॉग वन माइनस जेड हो गया, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वाला को मैं इधर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर से लॉग वन प्लस जेड को यदि हम एक्सपेंड करें तो वो जो है इस फॉर्म में क्या होगा, एक्सपेंड होगा, जैसे कि टू द पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स जो है एक्सपेंड होता है, उसी तरह जो है लॉग वन प्लस जेड का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, माइनस का माइनस और ये लॉग वन माइनस जेड का क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरे पास टर्म है ये वाला, अब क्या करूंगा, यदि ये माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो ये सभी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो जेड प्लस जेड टू जेड हो जाएगा प्लस, अब देखिए ये प्लस होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, फिर से ये जो है ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है, जेड क्यूब अपॉन थ्री प्लस जेड क्यूब अपॉन थ्री, तो टू जेड क्यूब अपॉन थ्री ये हो जाएगा प्लस, फिर से जीरो होगा, इसी तरह से आगे बढ़ेगा और क्या हो जाएगा, टू जेड टू द पावर फाइव अपॉन फाइव हो जाएगा प्लस, ये आगे बढ़ेगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए सभी में टू टू है यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, और जेड का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड जेड कैंसिल, इसका जेड ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर फोर हो जाएगा, तो यहाँ पर टू कॉमन निकल गया सभी में, और क्या बचा यहाँ पर वन प्लस
ये एक जेड कैंसिल हो जाएगा तो जेड स्क्वायर अपॉन थ्री हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा जेड टू द पावर फोर अपॉन फाइव हो जाएगा, प्लस इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। अब देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू इंटू समीशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी जेड टू द पावर टू एन अपॉन टू एन प्लस वन। अब यहाँ पर देखिए यदि एन इक्वल टू मैं जीरो रखूँ तो क्या मिलेगा, ये जीरो, ये जेड टू द पावर, ये जीरो हो जाएगा तो वन अपॉन वन, तो ये वन मिलेगा ये वाला, ठीक है। जेड इक्वल टू एन इक्वल टू जीरो रखूंगा तो, अब यदि एन इक्वल टू यदि मैं वन रखूँ तो क्या मिलेगा मुझे, ये जेड स्क्वायर अपॉन यहाँ पर वन रखूंगा तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, और इसी तरह जो है ये सीरीज मुझे मिलेगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब देखिए इसके इक्वल में ये है हमारा, तो दोनों में ही क्या है, जेड टू द पावर टू एन है, जेड टू द पावर टू एन है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स कोएफिशिएंट ऑफ जेड टू द पावर टू एन, यदि दोनों साइड में हम जेड टू द पावर टू एन के कोएफिशिएंट को देखें तो क्या मिलेगा हमें, जेड टू द पावर टू एन का कोएफिशिएंट क्या है, इतना है इस साइड में, ठीक है, और इस साइड में क्या है, इतना है यहाँ पर ये, ठीक है। तो जेड टू द पावर टू एन का कोएफिशिएंट देखें तो ये समीशन समीशन दोनों साइड हट जाएगा, क्या बचेगा इस साइड का, ये बचेगा इतना ये, और तो ये, और इस साइड का क्या हो जाएगा टू अपॉन टू एन प्लस वन बच जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए एम इक्वल टू एन का केस है ये वाला, ठीक है, हमने देखा था यहाँ पर ये जो हमारा, ठीक है, ये फंक्शन जो होता है इसमें क्या होता है कि यदि m की जगह पर n रखो तो ये क्या हो जाएगा पी एन एक्स पी एन एक्स पी एन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटीग्रल माइनस वन टू वन पी एन एक्स का स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, कब, जब m इक्वल टू n हो, तो m इक्वल टू n का केस है ये वाला हमारे पास जो है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो मेरे पास है ये क्या है, देखिए इंटीग्रल माइनस वन टू प्लस वन पी एन एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू क्या है टू एन टू अपॉन टू एन प्लस वन है, तो m इक्वल टू एन के लिए मुझे ये वैल्यू मिल गया, यही हमें क्या करना था, निकालना था, ये वाला m इक्वल टू एन के लिए हमें इतना मिल गया इसका वैल्यू, m इक्वल टू एन होगा तो ये पी एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वो मिल गया, और पहला वाला हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को यदि कंबाइन करूँ तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डेल्टा एम एन से, जो कि क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन होता है, इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और डेल्टा एम एन इक्वल टू जीरो होगा कब, जब m इज नॉट इक्वल टू n, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मुझे पहला प्रॉपर्टी मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे केस में डेल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, जब एम और एन क्या हो, इक्वल हो, तो मुझे ये दूसरा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो इस तरह ये था हमारा, जो एम इज नॉट इक्वल टू एन रहता है वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये क्या होता है, उसका नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी होता है, और दोनों को एक साथ लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।